ये शॉट है। दो पे दो शॉट आते हुए लाइट चाहिए जीतने के लिए सोम को। छक्का ही है। और शिवम मैच जीते हुए तो आज टूर्नामेंट है। छह बॉल का दो दो प्लेयर होगा तो निकल देख सकते हैं आप। मौसम काफ़ी ख़राब है। आज क्या होता है फाइनली हम ग्राउंड में पहुंचते हुए यहाँ पे यही होने वाला है। दो छह बॉल का और दो दो प्लेयरों का सेट। वो पिच पूरा गीला होने के कारण तो फर्श पे खेलेंगे अब टूर्नामेंट। देख सकते हैं क्या देख हिल्टन भी कहा जाता है। हाँ कुछ लोग योगा कर रहे और पहुंच गए हम अपनी मंजिल पे। और यही देखो प्लेयर आ चुके हैं यहाँ पे सारे प्लेयर यहाँ पे। अब भाई अब क्या हुआ जल्दी मैच स्टार्ट होने वाली है। भाई मेरी तो मेरे जलाते हैं और साफ करते हैं यहाँ पे। पर्ची उछाल दी गई है और पर्ची से पता चलता है कि कौन किसकी टीम है किससे मैच है। पहला यहाँ शुभम और किशन पहला ही मैच खतरनाक है शुभम से। पर्ची उछाल तो फाइनली स्टार्ट होते हुए यहाँ पे 13 टीमें हैं और 2100 रुपये विनिंग प्राइस है। दो दो प्लेयर और एक प्लेयर 6 बॉल खेलेगा और 6 ही बॉल के यहाँ पे। तो पहला तो पहली टीम का मैच किशन वर्सेस डेरी। तो पहली बॉल टूर्नामेंट की स्टार्ट होते हुए डॉट गेंद। दूसरी गेंद ये भी डॉट गेंद। तीसरी गेंद कुछ भी नहीं। तो यहाँ अगर 3 बॉल भी खेल सकते हैं दोनों प्लेयर भी खेल सकते हैं। तो डॉट गेंद एक गेंद और बची हुई है। तो लास्ट गेंद डॉट गेंद खत्म। तो एक शॉट चाहिए जीतने के लिए डेरी की टीम को। डॉट गेंद किशन बॉल डालते हुए। तो दूसरी गेंद किशन की और डॉट गेंद वाइड गेंद। दूसरी गेंद लगातार दो आए। डॉट गेंद दो गेंद आउट। तो डेरी की टीम जीतते हुए किशन की टीम बाहर। अनूप और नेगी का मैच स्टार्ट होते हुए मैच नंबर 2 टूर्नामेंट का। पहली बॉल वाइड। दूसरी गेंद नेगी की डॉट गेंद। दूसरी गेंद नेगी की वाइड गेंद। दो वाइड आ चुकी है तीन नेगी की। तीसरी गेंद डॉट गेंद। तीसरी गेंद लगातार डॉट गेंद। नेगी काफी अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं यहाँ पे। चार बॉल हो चुकी है नेगी की। वाइड गेंद अगली गेंद नेगी की डॉट गेंद ये भी। तो लास्ट गेंद नेगी की एक भी शॉट नहीं आया अभी तक। वाइड बॉल। लास्ट गेंद नहीं की वाइड गेंद। तो लास्ट गेंद नहीं की लगातार दो वाइड डाल चुके हैं। और तीसरी बॉल क्या होती है ये भी वाइड। 3 वाइड डाल चुके हैं नेगी और ये लास्ट गेंद डॉट गेंद। एक भी शॉट नहीं आया अभी तक। एक शॉट चाहिए नेगी की टीम को। पहली गेंद डॉट गेंद। दूसरी गेंद नागू की शॉट 6। अनूप की टीम बाहर जो फाइनल जीती थी पिछले में। तो तीसरा मैच अमित भाई और रोबिन भाई। पहली गेंद क्या होता है 6 रन के लिए। तो पहले पे ही एक शॉट आते हुए यहाँ पे रोबिन भाई पे। दूसरी गेंद कार पे लग गई है गेंद। तो तीसरी गेंद रोबिन भाई की
छह रन, दो शॉट आते हुए तीन बॉल पे। चौथी गेंद रोबिन भाई की, डॉट गेंद बस पे लग। चौथी गेंद डॉट गेंद। पांचवी गेंद चार रन के लिए। तो रोबिन भाई को तीन शॉट चाहिए जीतने के लिए, ओनली छक्के किए। डॉट गेंद नो बॉल के लिए। दूसरी गेंद, पहली नो बॉल थी, वाइड गेंद। तो एक भी बॉल नहीं हुई है अभी तक। डॉट गेंद। तीसरी गेंद डॉट गेंद। तो रोबिन भाई ने निशांत भाई को दे दिया पहला डॉट। निशांत भाई ने भी पहली बॉल डॉट कर दी। इसमें यह है कि दोनों प्लेयर में से कोई भी खेल सकता है, कितनी भी बॉल खेल के हट सकते हैं। डॉट गेंद चौके की नहीं है, ओनली छक्के की है। डॉट के लिए सॉरी ड्रॉ के लिए दो पे दो शॉट चाहिए, वरना बाहर हो जाएगी टीम इनकी। रोहिन भाई की ऊपर से मेट्रो और नीचे निशांत भाई, छह रन के लिए। एक पे और एक शॉट और मारते हैं तो ड्रॉ हो जाएगा यहाँ मैच। तो छक्का नहीं है वो, यहाँ रोबिन भाई की टीम हार चुकी है। तो मैच नंबर चार आकाश और सागर के बीच। पहली बॉल डॉट गेंद। दूसरी गेंद यहाँ पे आकाश की, डॉट गेंद दूसरी भी। तीसरी गेंद आकाश की, दो बॉल डॉट हो चुकी है और तीसरी भी बॉल डॉट। चौथी गेंद वाइड गेंद। चौथी गेंद यहाँ पे नहीं है, छह रन के लिए। छोटा छक्का है, छह रन के लिए एक शॉट आता है। इतना हमने सही किया, तेरे से हट गए। यहाँ पे चौथी गेंद आकाश रावत की, डॉट गेंद। लास्ट गेंद बची हुई है। लास्ट गेंद है, एक शॉट आते हुए। डॉट गेंद। एक शॉट चाहिए हेमंत को जीतने के लिए। डॉट गेंद सागर की, दूसरी गेंद डॉट गेंद। दो शॉट चाहिए, माफ करिएगा, हेमंत को जीतने के लिए। ये वाइड गेंद डॉट गेंद। तो हेमंत की जगह आकाश ने बैट ले लिया है, अब देखते हैं। डॉट गेंद यहाँ पे लालू की, डॉट गेंद। तो वाइड गेंद थी पिछली। डॉट गेंद ड्रॉ के लिए एक शॉट, वरना बाहर हो जाएगी टीम आकाश की। बाहर हो गई आकाश की टीम। तो मैच नंबर पांच स्टार्ट होते हुए शुभम वर्सेस लल्ला। पहली गेंद डॉट, फुल टॉस गेंद। दूसरी गेंद शुभम की वाइड, लगातार दो डॉट वाइड। तीसरी गेंद शुभम की, तो लल्ला से शॉट नहीं लगी तो पुलाड आ गया। अब डॉट गेंद, नीचे की वेट कर रहा वही शॉट आ गया। चौथी गेंद शुभम की, ओले यार बॉल डॉट गेंद। लास्ट वाइड का रूल बना, वाइड गेंद दे दी पिछली। शॉट, पहला शॉट आते हुए यहाँ पे। एक शॉट, एक और ले ले, एक और पुलाड़ एक शॉट मारते हुए। दो शॉट आते हुए, नो बॉल पे भी शॉट। तो शुभम की
डॉट करते हुए यहाँ पे शुभम को 3 शॉट चाहिए जीतने के लिए। यहाँ पे 3 शॉट चाहिए जीतने के लिए शुभम को, और पोलार्ड डालने यहाँ पे बॉलिंग। तो पहली गेंद पोलार्ड की, वाइड। तो यहाँ पे पोलार्ड की, प्लाट की तीसरी गेंद, दो वाइड आ चुकी है प्लाट की पहली और तीसरी गेंद, ये भी डॉट गेंद, वाइड करा दे यार। दूसरी गेंद प्लाट की यहाँ पे और वाइड गेंद। तो यहाँ पे प्लाट आते हुए और प्लाट की तीसरी गेंद, डॉट गेंद। तो तीसरी गेंद प्लाट की यहाँ पे वाइड। तो 3 शॉट चाहिए जीतने के लिए शुभम को, और पोलार्ड काफ़ी वाइड डाल चुके हैं यहाँ पे, और पोलार्ड अगली गेंद क्या होता है, डॉट गेंद। अब 3 पे 3 शॉट चाहिए शुभम को जीतने के लिए। अगर इस पे इस बॉल पे मार देना तो मार देना, यदि इस बॉल पे अगर मार देते हैं तो शुभम जीत सकते हैं, वरना ड्रॉ या डायरेक्ट आ जाएगा ना। चौथी गेंद पोलार्ड की और क्या होता है ये। तो यहाँ पे पोलार्ड की चौथी गेंद 6 रन के लिए, 1 शॉट आते हुए, 2 पे 2 शॉट चाहिए। तो यहाँ पे 5वीं गेंद, यार मिस हो गया, मिस कराते हो। अब ड्रॉ के लिए 1 पे 1 शॉट चाहिए शुभम को। तो इस गेंद पे कुछ भी हो सकता है, या तो ड्रॉ या तो शुभम की टीम बाहर, क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट है, फिर री एंट्री करनी पड़ेगी शुभम को। वाइड गेंद, कुछ भी हो सकता है इस गेंद पे, या तो शुभम की टीम बाहर या ड्रॉ, बाहर शुभम की टीम। तो किशन और हिमांशु की टीम, हिमांशु तो पहली बॉल 9। तो किशन और हेमू पहली बॉल डॉट, डॉट गेंद पहली। तो दूसरी गेंद वाइड, तो तीसरी गेंद वाइड, 9 गेंद। एम्पायर का डिसीजन, 9 गेंद। मंगल भाई एम्पायर है, तजुर्बा सही है मंगल भाई को काफ़ी। तो यहाँ पे किशन डॉट गेंद, लगातार 2 गेंद डॉट कराते हुए यहाँ पे किशन, और तीसरी गेंद किशन की। तो 3 गेंद हो चुकी है किशन की, और चौथी भी डॉट बॉल। 5वीं गेंद वाइड बॉल, यहाँ पे किशन की बॉल, 1 शॉट आते हुए, 9 बॉल नहीं दिया यहाँ पे एम्पायर ने। एम्पायर का डिसीजन डीप करते हुए गेंद यहाँ पे। तो लास्ट गेंद है यहाँ पे किशन की, 1 शॉट ही आया अभी, डॉट गेंद ये भी। 2 शॉट चाहिए किशन को जीतने के लिए यहाँ पे, 2 शॉट चाहिए किशन को जीतने के लिए। राहुल बॉलिंग पे, किशन बैटिंग पे। पहली गेंद वाइड गेंद, दूसरी गेंद राहुल की डॉट गेंद, तीसरी गेंद राहुल की क्या होता है, 9 गेंद। तीसरी गेंद राहुल की और वाइड गेंद, 1 9 वाइड आ चुकी है राहुल की। तीसरी गेंद राहुल की, तार पे लग गई गेंद, तार पे लग गई गेंद,
तो राहुल की चौथी गेंद क्या होता है, आउट होता है यहाँ पे। राहुल की टीम जीतते हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी भी एक चाहिए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। डॉट गेंद बाहर होते हुए किशन की टीम, तो लास्ट बॉल है मार कर गया, कुछ भी हो सकता है। इस बॉल पे 6 रन चाहिए ड्रॉ के लिए। बॉल खत्म, किशन की टीम बाहर। आयुष और लक्ष्मण भाई की टीम का मैच स्टार्ट होते हुए, मैच नंबर 6, पहली बॉल तो वाइड, तो वाइड डालते हुए लगातार मंगल, तो एक भी बॉल नहीं हुई है अभी लक्ष्मण भाई की। और पहली दो और 6 रन, पहला ही शॉट आते हुए, एक शॉट आते हुए एक बॉल पे और दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद लक्ष्मण भाई की और वाइड गेंद डॉट गेंद, चौथी गेंद लक्ष्मण भाई की डॉट गेंद, दो गेंद बची है। वाइड गेंद दो पे दो चाहिए बस, और दो गेंदे बाकी। एक और शॉट आते हुए, दो शॉट, तो लक्ष्मण भाई पे दो शॉट आ चुका है और एक शॉट डॉट गेंद होते हुए। 3 शॉट चाहिए लक्ष्मण भाई की टीम को, तो मंगल भैया को 3 शॉट चाहिए जीतने के लिए। और मामा बॉलिंग पे, तो पहली बॉल मामा स्टार्ट करते हुए यहाँ पे रन अप लेते हुए, और पहली बॉल मुकेश सिंह रावत, इनके भी ब्लॉग देखा करो, मुकेश सिंह रावत के नाम से है इनका ब्लॉग और काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं, पारंपरिक वीडियो है जो कि गांव वगैरह उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और पहला ही डॉट गेंद, यहाँ पे दूसरी गेंद मुकेश सिंह रावत की और मंगल भाई बैटिंग पे, और कुछ एक शॉट आते हुए यहाँ पे, अभी भी 2 शॉट चाहिए 4 बॉल पे। ऑर्गेनाइजर कुलदीप भाई है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट करा रहे हैं ये। 2 शॉट आते हुए, एक शॉट और चाहिए जीतने के लिए। टाई हो चुका है यहाँ पे मैच, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ एक शॉट चाहिए जीतने के लिए मंगल लक्ष्मण भाई की टीम को। मंगल भाई बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए यहाँ पे, तो शायद खत्म, मंगल भाई की टीम जीत चुकी है यहाँ पे। री एंट्री कर दी है 2 टीमों ने, शुभम और अनूप की टीमों ने, जो बाहर हो चुकी थी। पहली बॉल शुभम की डॉट गेंद, मैच नंबर 8। दूसरी बॉल भी, पहला शॉट आते हुए यहाँ पे अनूप के द्वारा, तो यहाँ पे तीसरी बॉल शुभम की वाइड गेंद, चौथी गेंद शुभम की चौथी गेंद सोम की, दो शॉट आते हुए, अरे जल्दी घुमा दिया तूने बल्ला, डॉट गेंद, चार शॉट चाहिए जीतने के लिए शुभम को फिर से। अब री एंट्री नहीं, तेरे पे बॉलर कौन था, तो बॉलर नहीं लगे था दूसरा। पहली गेंद, तो कुछ भी हो सकता है ना, तो पहली बॉल डॉट और
दूसरी गेंद भी डॉट, 4 पे 4 शॉट चाहिए जीतने के लिए शुभम को। 4 पे 4 शॉट। एक शॉट आते हुए 3 पे 3 शॉट चाहिए जीतने के लिए यहाँ पे शुभम को। नागेंद्र बॉलिंग पे, दो पे 2 शॉट आते हुए लगातार। दो रह गए भाई, 2 पे 2 चाहिए। 2 पे 2 सेट चाहिए जीतने के लिए सुन को। टाई करते हुए यहाँ पे सुबह जीतने के लिए 1 शॉट चाहिए जीतने के लिए 1 बॉल पे 1 शॉट चाहिए। नागू साइड चेंज करते हुए यहाँ पे और मैं जीतते हुए अनुप की टीम फिर से बाहर। रोबिन भाई और तो यहाँ पे रोबिन भाई ने री एंट्री कर दी है। रोबिन भाई और आकाश का पहली बॉल की डॉट, दूसरी गेंद आकाश की। लगातार 2 पे 2 डॉट, निशांत भाई को दे दिया इन्होंने, उनसे लगी नहीं लगी तो शॉट। तीसरी गेंद आकाश रावत की यहाँ पे और वाइड, 3 डेड डॉट होते हुए। चौथी गेंद आकाश रावत की यहाँ पे निशांत भाई बैटिंग पे बोल्ड, वापिस रोबिन भाई आते हुए क्योंकि आउट हो चुके हैं निशांत भाई। दोनों में से कोई भी 6 बॉल से खेल सकता है, 1 बॉल भी और 5 बॉल भी खेल सकते हैं दोनों में से कोई भी। तो यहाँ पे री एंट्री भी बाहर हो सकते हैं शायद डॉट के देवी। लास्ट गेंद है आकाश रावत की, तो यहाँ पे आकाश की लास्ट गेंद टॉट गेंद देवी। अब जीतने के लिए आकाश रावत को 1 शॉट चाहिए केवल। रोबिन भाई की बॉलिंग, पहली गेंद रोबिन भाई की, डॉट गेंद। अगर 5 बॉल डॉट करते हैं रोबिन भाई तो टाई होगा ये मैच। तो दूसरी गेंद रोबिन भाई की यहाँ पे, ये भी डॉट गेंद। तीसरी गेंद रोबिन भाई की यहाँ पे, ये तीसरी गेंद। लगातार 3 डॉट करते हुए यहाँ पे हेमंत, तो रोबिन भाई की चौथी बॉल, चौथी गेंद आते हुए यहाँ पे। तो ये जड़ पे बॉल डॉट गेंद ये भी, तो आकाश रावत को बैट देते हुए यहाँ पे हेमंत। रोबिन भाई की 5वीं गेंद वाइड गेंद, रोहित भाई की 5वीं गेंद यहाँ पे आउट करते हुए यहाँ पे दोनों ईटे गिरते हुए। फिर से हेमंत आते हुए क्योंकि रावत आउट होते हुए यहाँ पे 1 शॉट चाहिए, 1 पे 1 वरना टाई हो जाएगा ये मैच। टाई होते हुए यहाँ पे, तो टाई होने के बाद 3-3 बॉल की हो जाती है यहाँ पे। तो आकाश बॉलिंग पे और रोबिन भाई बैटिंग पे और पहली गेंद डॉट आकाश रावत कराते हुए यहाँ पे। तो दूसरी गेंद डॉट बॉल डॉट करते हुए यहाँ पे, तो लास्ट गेंद आकाश की
6 रन। निशांत मारते हुए यहाँ पे आकाश को एक शॉट चाहिए जीतने के लिए, तो यहाँ पे आकाश को चाहिए एक शॉट, तीन बॉल पे सॉरी दो शॉट चाहिए, तो यहाँ पे दो शॉट चाहिए जीतने के लिए, वरना बाहर होते हुए इसकी आकाश रावत की टीम बाहर होते हुए। तो एक टाई के लिए एक पे एक शॉट चाहिए डॉट के, तो रोबिन भाई जीतते हुए यहाँ पे सागर और अमित भाई का नौवां मैच नंबर 9 पहली बॉल डॉट, सागर की दूसरी गेंद यहाँ पे डॉट गेंद, तीसरी गेंद यहाँ पे सागर की डॉट गेंद, तो भाटी आते हुए अब शेखर भाटी, तो भाटी खेलते हुए पहली बॉल डॉट, चार बॉल डॉट करते हुए सागर कराते हुए यहाँ पे सागर, तो पांचवी गेंद सागर की वाइड गेंद, वाइड गेंद, तो लास्ट गेंद यहाँ पे कुछ भी हो सकता है शॉट, कुछ भी नहीं, यहाँ पे एक शॉट चाहिए सागर को जीतने के लिए, पे सागर को जीतने के लिए एक शॉट चाहिए मात्र, पहली बॉल अमित भाई की बोल करते हुए यहाँ पे पांच बॉलर गौरव खेलेंगे, तो एक शॉट चाहिए, हट जा सामने से, दो गेंद होते हुए अमित भाई की, ऐसा लगता है कि टाई होगा ये मैच, गेंद अमित भाई की मारते हुए अमित भाई की टीम बाहर, मैच नंबर 10 स्टार्ट होते हुए डेरी की टीम और नेगी की टीम का मैच स्टार्ट होते हुए यहाँ पे सेट मैच नंबर 10 टूर्नामेंट का, तो नेगी की पहली बॉल यहाँ पे मैच नंबर 10 स्टार्ट होते हुए, पहली गेंद वाइड गेंद, तो यहाँ पे दूसरी गेंद नेगी की वाइड गेंद, लगातार दो वाइड डालते हुए, तो तीसरी गेंद नेगी की यहाँ पे डॉट गेंद, गाय को लगती हुई गेंद यहाँ पे, दो गेंद बची हुई है यहाँ पे नेगी की और डॉट गेंद, पांचवी गेंद नेगी डॉट गेंद, नेगी की जगह डेरी आते हुए यहाँ पे, डॉट गेंद लास्ट गेंद, वाइड गेंद, डेरी को एक शॉट लेना ही पड़ेगा अगर नेगी से जीतना है, तो डेरी भी अच्छी बॉलिंग डालते हैं, लास्ट गेंद नेगी की यहाँ पे तार पे लगने के कारण बॉल नहीं गई और री बॉल नहीं होती यहाँ पे वायर पे लगने से, डॉट गेंद एक पहली बॉल डॉट, शायद कैच भी हो सकता है, तो एक ही शॉट चाहिए जीतने के लिए निकी टीम को, और डॉट गेंद डेरी पे मुश्किल नहीं नामुमकिन है एक शॉट मारना, तीसरी गेंद डेरी की वाइड गेंद सॉरी डॉट गेंद, डेरी की बॉल है डॉट गेंद, लगातार चार बॉल डॉट करते हुए यहाँ पे डेरी, पांचवी गेंद डेरी की
डॉट गेंद, एक पे एक शॉट चाहिए मार। धोनी की खुद आते हुए यहाँ पे एक शॉट चाहिए नेगी को जीतने के लिए, वरना टाई होता हुआ यहाँ पे डॉट गेंद तार पे लगते हुए। तो यहाँ पे ये मैच टाई हो चुका है और तीन तीन अब तीन तीन बॉल दोनों टीमें खेलेंगी। पहली गेंद वाइड नेगी की, अगली बार मैं तो टीम में वाइड गेंद डालते हुए डॉट कराते हुए यहाँ पे नेगी डेरी को। दूसरी गेंद नेगी की डॉट, काफी हटके खेल रहे थे। तो लास्ट बॉल है नेगी की, यहाँ पे एक शॉट तो लेना ही पड़ेगा डेरी को। वाइड गेंद, तो लास्ट गेंद नेगी की यहाँ पे डेरी बैटिंग पे लगातार तीन वाइड साइड लेग साइड पकड़ रखा है नेगी, काफी वाइड फेंक रहे हैं। और लास्ट गेंद है नेगी की डॉट गेंद, एक शॉट चाहिए फिर से नेगी को जीतने के लिए। तो यहाँ नेगी को एक शॉट चाहिए जीतने के लिए। लोकेशन तो बताया, डॉट गेंद, दो शॉट, एक शॉट चाहिए जीतने के लिए। दो गेंद पे डॉट गेंद, तो एक शॉट चाहिए नेगी को जीतने के लिए, वरना फिर से टाई हो जाएगा ये मैच डॉट। तो ये भी टाई होते हुए अब विकेट पे मान नहीं खेलेंगे। डेरी की टीम बाहर हो गई, विकेट पे लग चुकी है, भीड़ होने के कारण वीडियो नहीं बन पाई। तो यहाँ पे मैच नंबर 11 स्टार्ट होते हुए शुभम भाई, शुभम और लक्ष्मण भाई का। तो पहली गेंद लक्ष्मण भाई की यहाँ पे और शुभम बैटिंग पे, तो पहली गेंद लक्ष्मण भाई द्वारा पहले पे ही 6 रन आते हुए पहला शॉट। दूसरी गेंद यहाँ पे डॉट गेंद, तो यहाँ पे लक्ष्मण भाई की तीसरी गेंद, एक शॉट आ चुका है अब तक, दो शॉट आते हुए बाहर की बॉल लेग में खेच ली शुभम ने, दो शॉट आते हुए यहाँ पे शुभम द्वारा। चौथी गेंद लक्ष्मण भाई की यहाँ पे, दो शॉट खा चुके हैं अब तक, ये डॉट गेंद, दो शॉट ये भी खाए हैं लक्ष्मण भाई। तो लक्ष्मण भाई की पांचवी गेंद और यहाँ पे डॉट गेंद, लास्ट गेंद है यहाँ पे, यहाँ पे लास्ट गेंद लक्ष्मण भाई की, 4 शॉट चाहिए जीतने के लिए लक्ष्मण भाई की टीम को। मंगल भाई बैटिंग करते हुए यहाँ पे, तो मंगल भाई को 4 शॉट चाहिए जीतने के लिए। शुभम की पहली गेंद तो रुकते हुए यहाँ पे शुभम, पहली गेंद शुभम की, पहला ही शॉट आते हुए 6। दूसरी गेंद वाइड गेंद डॉट गेंद, यहाँ पे 4 बॉल पे 3 शॉट चाहिए मंगल भाई को, डॉट गेंद, 3 बॉल पे 3 शॉट चाहिए यहाँ पे मंगल भाई को जीतने के लिए। टाई के लिए 2 शॉट चाहिए 4 पे, सॉरी 3 पे डॉट गेंद। तो यहाँ पे मैच खत्म होते हुए 2 गेंदे और डालेंगे बस, सुबह मैच जीत चुके हैं। वैसे अगर 2 पे 2 शॉट मारते हैं खत्म होते हुए मैच, यहाँ पे मंगल भाई लक्ष्मण भाई की टीम मारते हैं, सोम जीतते हुए यहाँ पे। तो मैच नंबर 12 स्टार्ट होते हुए यहाँ पे रोबिन भाई वर्सेस सागर, फिर इसके बाद पोलार्ड और कटप्पा का मैच स्टार्ट होगा मैच नंबर 13। तो पहली गेंद रोबिन भाई की, वाइड गेंद, पहली गेंद रोबिन भाई की,
डॉट गेंद, विने दूसरी गेंद, वाइड गेंद, तीसरी गेंद रोबिन भाई की, बोल्ड करते हुए यहाँ पे सागर को गौरव खेलेंगे अब। तो यहाँ गौरव आते हुए क्योंकि बोल्ड हो गए वो। तीसरी गेंद, वाइड गेंद, तो चार बॉल हो चुकी है, दो बॉले बची है बस रोबिन भाई की। और ये पांचवी गेंद, छह रन मारते हुए गौरव, एक शॉट आ चुका है, मार चुके हैं गौरव। लास्ट गेंद रोबिन भाई की, खड़ी कर दी इन्होंने बॉल, डॉट गेंद, दो शॉट चाहिए रोबिन भाई को जीतने के लिए। तो यहाँ पे दो शॉट चाहिए जीतने के लिए, पहली बॉल डॉट करते हुए यहाँ पे निशांत भाई, और रोबिन भाई की टीम को दो शॉट चाहिए और निशांत भाई बैटिंग करते हुए डॉट गेंद, दो गेंद डॉट करते हुए यहाँ पे। तो तीसरी गेंद सागर की यहाँ पे डॉट कराते हुए लगातार तीन बॉल डॉट। चौथी गेंद सागर की स्लो ओवर से बीट करते हुए यहाँ पे निशांत भाई को, सागर की अगली गेंद डॉट गेंद। तो अगर इस पे नहीं आया तो वो, तो यहाँ पे रोहित भाई की टीम हारते हुए यहाँ पे सागर जीतते हुए यहाँ पे मैच नंबर 13 स्टार्ट होते हुए। लल्ला और पोलार्ड का पहली बॉल, राहुल की वाइड गेंद। वीडियो की क्वालिटी में मत जाइएगा क्योंकि वीडियो क्वालिटी इसलिए खराब थोड़ी हो रही है क्योंकि मौसम थोड़ा वैसा है इस वजह से। राहुल की पहली बॉल, पहला वाइड था, पहली बॉल डालते हुए तो राहुल की पहली गेंद, और यहाँ पे लल्ला बैटिंग करते हुए डॉट गेंद रीबॉल कर दी गई है। राहुल की पहली बॉल डालते हुए राहुल डॉट गेंद कराते हुए पहली गेंद। राहुल की दूसरी गेंद, दो गेंद होते हुए यहाँ पे राहुल की, तो यहाँ पे लल्ला की जगह पोलार्ड आते हुए क्योंकि लल्ला से शॉट नहीं लगा, इसमें से लल्ला हट गए, पोलार्ड कोशिश करेंगे शॉट मारने की। तो राहुल की तीसरी गेंद यहाँ पे, राहुल की तीसरी गेंद और डॉट गेंद, राहुल की चौथी गेंद, वो वाइड बॉल थी पोलार्ड बैटिंग पे, छह रन के लिए यहाँ पे, छह रन पहला शॉट आते हुए यहाँ पे पोलार्ड के बल्ले से। तो राहुल की लास्ट गेंद, और यहाँ पे माफ करिएगा इसके बाद लास्ट है, अब लास्ट गेंद है वो, सेकेंड लास्ट बोलती लाइट बैटिंग पे बैटिंग करते हुए यहाँ पे, और राहुल की लास्ट गेंद लाइट बैटिंग पे, एक शॉट आ चुका है। खैर दो शॉट मारते हुए यहाँ पे पोलार्ड, तीन शॉट चाहिए राहुल को जीतने के लिए। तो हिमांशु को जीतने के लिए तीन शॉट चाहिए, और पहली बॉल पोलार्ड की आउट, कैच करते वहां पे लल्ला,
अब राहुल बैटिंग पे आते हैं, 5 गेंद ये खेलेंगे, 5 में से 3 शॉट चाहिए जीतने के लिए। पुलाड की दूसरी बॉल, राहुल बैटिंग पे, वाइड गेंद, पुलाड की तीसरी गेंद, वाइड गेंद, पुलाड की तीसरी गेंद, डॉट गेंद, 4 बॉल और बाकी है इसके बाद। पुलाड की तीसरी गेंद, चौथी गेंद, डॉट गेंद। तो यहाँ पे 3 पे 3 शॉट चाहिए जीतने के लिए, यदि टाई करने के लिए तो 2 शॉट चाहिए। और पुलाड की तो अब 2 पे 2 शॉट चाहिए जीतने के लिए राहुल को, वरना ये बाहर हो जाएंगे। तो पुलाड की लास्ट सेकंड लास्ट गेंद, हारते हुए यहाँ पे राहुल की टीम बाहर होते हुए। भाई कुछ क्या, अनिल भाई क्या कहना चाहते हो, दर्शक हैं इनके, अमित भाई क्या कहना चाहते हो आज के टूर्नामेंट के लिए? देखने में अच्छा था, आओ दूर दूर से आओ, जहाँ से आओगे पूरा सम्मान रखेंगे आपका, खिलाएंगे पिलाएंगे आपको। जय काफी अच्छा कर रहे हैं, काफी अच्छा खेल रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है कि अब आगे इनका देख के खुशी है। हाँ देख के अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। देश का यूथ अभी भी है। यहाँ पे सेमीफाइनल स्टार्ट होते हुए, सेमीफाइनल नेगी, छोटा नेगी वर्सेस शुभम, तो सेमीफाइनल मैच है ये। और पहली बॉल नेगी की, शुभम बैटिंग पे, डॉट कराते हुए नेगी, पहली बॉल डॉट, तो दूसरी गेंद नेगी की यहाँ पे, वाइड गेंद, एम्पायर का डिसीजन नो बॉल, मगर वाइड गेंद है ये। दूसरी गेंद नहीं की, एक डॉट करा चुके हैं, एक शॉट आते हुए शुभम के द्वारा, 2 पे 1 शॉट मार दिया शुभम ने। तीसरी गेंद नहीं की, तीसरी गेंद नहीं की, एक शॉट आ चुके हैं अभी तक, एक डॉट, एक शॉट, 2 डॉट कराते हुए नेगी, एक ही शॉट आया अभी तक, 3 बॉल हो चुके हैं नेगी ने। चौथी गेंद नेगी की यहाँ पे, चौथी गेंद पे क्या होता है, 6 रन या डॉट गेंद, डॉट गेंद। तो 5वीं बॉल गेंद यहाँ पे नेगी की, और एक शॉट आया अभी तक, 9 बॉल और 2 शॉट आते हुए यहाँ पे, यानी 4 बॉल में 2 शॉट मारते हुए यहाँ पे सुबह, तो 9 बॉल दिए, 9 बॉल पे शॉट आया। और 5वीं गेंद नेगी की, तो ये 5वीं बॉल दोनों फेंक चुके हैं। चौथ गेंद नेगी, 2 फेंकने के कारण 2, लास्ट गेंद नेगी की, तो लास्ट गेंद नेगी की यहाँ पे 2 शॉट आ चुके हैं अभी तक। ओवर। तो यहाँ पे पहली बॉल और डॉट गेंद पहली शुभम के द्वारा, 3 शॉट चाहिए जीतने के लिए अगर शुभम को बाहर करना है सेमीफाइनल में। तो 9 बॉल और 1 शॉट आते हुए, 2 शॉट और चाहिए जीतने के लिए यहाँ पे। शॉट, 2 शॉट आते हुए यहाँ पे, कुछ भी नहीं है ये। तो तीसरी गेंद यहाँ पे शुभम की, वाइड गेंद, तीसरी गेंद यहाँ पे शुभम की, वाइड गेंद, बॉल, डॉट गेंद। तो
तीन गेंद पे दो शॉट चाहिए जीत। नौ गेंद एम्पायर का डिसीजन। नेक की टीम को फाइनल में पहुंचना है तो दो शॉट मारना पड़ेगा वरना शुभम फाइनल में। वाइड गेंद, लगातार वाइड नो डालते हुए यहाँ पे शुभम। यहाँ पे चौथी गेंद शुभम की, शॉर्ट गेंद। अब दो पे दो शॉट चाहिए जीतने के लिए नेक की टीम को वरना बाहर। फाइनल में एंट्री करते हुए शुभम वरना वाइड गेंद। तो केवल अब टाई हो सकता है अगर एक शॉट लगेगी तो। वाइड गेंद, एक शॉट मारते हैं तो टाई होगा केवल। अभी तक उम्मीद थी जीतने की, अब उम्मीद खत्म कर चुके हैं केशव। तो यहाँ शुभम फाइनल में पहुंचते हुए, नेक की टीम बाहर। तो सेकेंड सेमीफाइनल मैच स्टार्ट होते हुए, मैच नंबर 14 लालू और पोलार्ड की टीम यानी सागर और पोलार्ड की टीम का। अब देखते हैं पोलार्ड पहुंचते हैं फाइनल में या सागर पहुंचते हैं। पहली बॉल पोलार्ड की, सागर बैटिंग पे। यहाँ पे पहली गेंद नो बॉल एंड बैटिंग डिसीजन। सो हम दबदबा बना के फाइनल पहुंच चुके हैं और पहली गेंद यहाँ पे पोलार्ड की। पहला शॉट मारते हुए यहाँ पे लालू पोलार्ड पे। तो यहाँ पे दूसरी गेंद पोलार्ड की, वाइड गेंद। एक ही गेंद हुई अभी तक और पहले पे ही शॉट आते हुए यहाँ पे, माफ करिएगा वो भी नो बॉल थी, एक भी बॉल नहीं हुई अभी तक। नज़ारा देख सकते हैं चिड़ियों का ऊपर, एक बॉल होते हुए यहाँ पे। तो दूसरी गेंद पोलार्ड की यहाँ पे, डॉट करते हुए यहाँ पे लालू। तो दूसरी गेंद यहाँ पे पोलार्ड की, डॉट गेंद चढ़ पे मारते हुए यहाँ पे ब्लॉक बॉल। तीसरी बॉल यहाँ पे डॉट गेंद लगातार चढ़ पे मारते हुए यहाँ पे बॉल पोलार्ड। पोलार्ड की तीसरी गेंद नॉट गेंद नो बॉल एम्पायर का डिसीजन। बरसात होते हुए यहाँ पे, रिमझिम बारिश होते हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे पोलार्ड की चौथी गेंद, पोलार्ड की चौथी बॉल क्योंकि नो डॉट गेंद यहाँ पे। तो यहाँ पे बारिश होते हुए अब यहाँ पे वाइड गेंद। तो लास्ट गेंद यहाँ पे बरसात तेज हो गई है, डॉट गेंद। एक शॉट चाहिए पोलार्ड को जीतने के लिए बारिश रुकने के बाद। तो यहाँ पे दो शॉट चाहिए लल्ला को जीतने के लिए, फाइनल में पहुँचने के लिए। और सागर की पहली बॉल, और ये यूट्यूबर के लग गई है। कोई नहीं भाई, जुबेर भाई बोल तो पकड़ो यार, पप्पी ले ली। तो दूसरी गेंद यहाँ पे वाइड गेंद। तो दो शॉट चाहिए यहाँ पे जीतने के लिए लल्ला को और सागर की। एक शॉट आते हुए यहाँ पे नो बॉल, नो गेंद पे एक शॉट आते हुए यहाँ पे, एक भी बॉल नहीं हुई और एक शॉट आ चुका है। छह बॉल में एक शॉट और चाहिए जीतने के लिए लल्ला को। और दूसरी गेंद सागर की, डॉट गेंद। तो तीसरी गेंद यहाँ पे डॉट गेंद। चार पे एक शॉट चाहिए जीतने के लिए लल्ला को, फाइनल में पहुंचने के लिए, शुभम से मैच खेलने के लिए। तीसरी गेंद यहाँ पे सागर की, वाइड गेंद। इसके बल्ले में सही आ रही है। तो तीसरी गेंद यहाँ पे डॉट गेंद। तो चौथी गेंद यहाँ पे सागर की, वाइड गेंद। तो खड़ी कर दी इन्होंने
फुल टॉस गेंद पे, एक शॉट चाहिए जीतने के लिए बस। अगर फाइनल में जाना है तो एक शॉट मारना ही पड़ेगा लालू को, सॉरी लल्ला को। अब क्या होता है इस गेंद पे कुछ पता नहीं है किसी को। डॉट गेंद, ये भी लास्ट बॉल बची हुई है सागर की, और इस बॉल पे कुछ भी हो सकता है। यदि एक शॉट आता है तो ये फाइनल में लल्ला की टीम, और नहीं आता तो बाहर। टाई होते हुए मैच, टाई होता तो फिर तीन तीन बॉल की मैच होगी, और जीतते हुए यहाँ पे लल्ला फाइनल में पहुँचते हुए। अब शुभम से मैच स्टार्ट होगा, फाइनल स्टार्ट होते हुए यहाँ पे फाइनल मैच स्टार्ट होते हुए पोलार्ड और शुभम का। देखते हैं कौन 2100 रुपये ले जाता है। यहाँ पे पहली बॉल फाइनल की, वाइड गेंद, तो दूसरी गेंद यहाँ पे फाइनल की, वाइड गेंद। देखते हैं इस बार फाइनल कौन ले जाता है। नो बॉल, तो पहली गेंद यहाँ पे पोलार्ड की, लगातार वाइड नो डाल रहे हैं। पहली बॉल डॉट, एक बॉल डॉट कर चुके हैं यहाँ पे पोलार्ड। ये फाइनल है, पहला आते हुए यहाँ पे शॉट, फ्लाई ओवर के ऊपर बॉल गिरती हुई यहाँ पे, तो तीसरी गेंद यहाँ पे पोलार्ड की, और वाइड गेंद। तीसरी गेंद यहाँ पे डॉट गेंद, एक शॉट आया अभी तक। तो चौथी बॉल पोलार्ड की यहाँ पे, वाइड गेंद, लगातार वाइड टू वाइड डाल रहे हैं बस। चौथी गेंद यहाँ पे पोलार्ड की, रन आते हुए देख सकते हैं फिर से यहाँ पे मारते हुए ये फ्लाई ओवर पे। चार बॉल हुई है, दो शॉट यहाँ पे, चार खड़ी कर दी इन्होंने बॉल सोने। डॉट गेंद, चार बॉल हो गई है यहाँ पे, सॉरी लास्ट बॉल है। अब दो शॉट आया अभी, तो यहाँ पे एक शॉट और मार सकते हैं कि यार डॉट बॉल होगी पता नहीं। डॉट गेंद, तो 300 चाहिए पोलार्ड को जीतने के लिए। तो यहाँ डेरी टोटका कर रहे हैं, तो पहली बॉल पे यहाँ पोलार्ड ने शॉट, एक शॉट आते हुए यहाँ पे शुभम की दूसरी गेंद। 300, दो शॉट और चाहिए जीतने के लिए बस फाइनल में। बोल है लड़के, बोल है भाई, बस यहाँ पे शुभम द्वारा। तो यहाँ पे शुभम की तीसरी गेंद, तो यहाँ पे शुभम की, तो दो बॉल पे दो शॉट चाहिए अगर जीतना है तो। तो यहाँ पे शुभम जीते हुए टूर्नामेंट, यहाँ पे शुभम जीते हुए, तो शुभम टूर्नामेंट जीते हुए यहाँ पे 2100 रुपए।